अभी हम इस वीडियो में कोई भी लाइन को ओपन और क्लोज करते हैं तब सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर और अर्थ स्विच की क्या सीक्वेंस रहती है वो हम समझेंगे। समझिए कि ये हमारी लाइन है, ये हमारा सर्किट ब्रेकर है जो सर्किट को मेक और ब्रेक करता है लोड में। ये दो हमारा आइसोलेटर है, नो लोड में सर्किट को मेक और ब्रेक करता है, मतलब एज ए स्विच। ये हमारी नो लोड स्विच है आइसोलेटर, और ये हमारी लोड स्विच है। और अर्थ स्विच होगा वो हमेशा आइसोलेटर के साथ आएगा, और जो पास वाली लाइन के थ्रू, जो इस लाइन में म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू जो वोल्टेज या करंट प्रोड्यूस होता है उसको वो अर्थ करता है, अर्थ स्विच। अभी समझ लो ये हमारी लाइन है, इसको आपको ओपन करना है। तो सीक्वेंस क्या रहेगी कि सबसे पहले आपको सर्किट ब्रेकर को ओपन करना है। इसको सर्किट ब्रेकर को आपने ओपन कर दिया, ये अभी क्लोज है, ओपन होगा तो ऐसे हो जाएगा। ओके, इसका कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, मतलब अभी ये ऐसे है, फिर बाद में ऐसे हो जाएगा। एक खास याद रखना, ऑन, क्लोज और इसका सिंबल ये है, और ऑफ मतलब ओपन, और उसका कॉन्टैक्ट ऐसे ओपन होगा। बराबर, ये खास याद रखना, क्योंकि कई बार मैं ऑन ऑफ यूज वर्ड यूज़ करूँगा, कई बार क्लोज और ओपन वर्ड यूज़ करूँगा, तो आपके दिमाग में ये इमेज आनी चाहिए, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अभी मुझे ये लाइन को ओपन करना है, तो सबसे पहले मैं सर्किट ब्रेकर को ओपन करूँगा, मतलब उसका कॉन्टैक्ट मैं ओपन करूँगा, तो इस लाइन का जो करंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। फिर बाद में मैं आइसोलेटर को ओपन करूँगा, दोनों आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड जो आइसोलेटर है उसको मैं ओपन करूँगा, और फिर बाद में जो अर्थ स्विच होगी पर्टिकुलर जिस लाइन की, इस तरफ होगी इस तरफ, तो इस तरफ होगी तो इस तरफ, उसको मैं क्लोज करूँगा। तो इससे क्या होगा कि इस लाइन में जो पर्टिकुलर पास वाली लाइन है, ये अगर समझ लो ये चार्ज है, इसके इसमें करंट फ्लो कर रहा है, हो रहा है, तो उसके वजह से यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू जो करंट प्रोड्यूस होगा, जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, वो अर्थ हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर समझ लो, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर में या कहीं पे लाइन पे काम करना है, तो आपको आप सेफली काम कर सकते हो, आपको शॉक नहीं लगेगा। तो ये है प्रोसीजर लाइन को ओपन करने की। अभी समझ लो लाइन को आपको फिर से चार्ज करना है, मतलब क्लोज करना है, तो अभी कौन सी सीक्वेंस होगी, तो थोड़ी सी उल्टी रहती है सीक्वेंस। यहाँ पे हमने जो फाइनल वाला स्टेप था वो क्या था, क्लोज द अर्थ स्विच। अभी मुझे समझ लो लाइन को क्लोज करना है, फिर से चार्ज करना है, तो मैं क्या करूँगा कि ये अर्थ स्विच जो मैंने क्लोज की थी उसको मैं ओपन करूँगा, ओपन द अर्थ स्विच। फिर बाद में आपको आइसोलेटर को क्लोज करना है, ओके, और फिर बाद में सर्किट ब्रेकर को क्लोज करना है। अभी आइसोलेटर को क्यों पहले करना है, क्योंकि वो नो लोड स्विच है, ओके, ये नो लोड स्विच है, इसलिए पहले समझ लो आपने सर्किट ब्रेकर को क्लोज कर दिया, फिर आइसोलेटर को आप क्लोज करोगे, इतना हैवी स्पार्क होगा कि जो पर्टिकुलर बंदा ऑपरेट कर रहा है आइसोलेटर को वही जल जाएगा, इतनी बर्निंग उसको इंजरी होगी। तो पहले आइसोलेटर को क्लोज करना है और फिर बाद में सर्किट ब्रेकर को क्लोज करना है। आई होप कि आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि लाइन को मुझे ओपन करना है तो क्या प्रोसीजर होगी सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर और स्विच की, और क्लोज करना है मतलब फिर से चार्ज करना है तब उसकी क्या प्रोसीजर होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैं आपको 220 केवी या 400 केवी का सिंगल लाइन डायग्राम बताऊंगा कि पूरा कैसे लाइन चार्ज होती है, कैसे उसको ओपन करते हैं, तो उस टाइम पर ये आपको पता होना चाहिए। फिर बाद में क्या होगा कि आपको वो वीडियो ही समझ में नहीं आएगा। तो ये आप जब स्विचर में काम करते हो तब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइसोलेटर होगा वो हाई वोल्टेज लाइन होगी, जो आउटडोर सबस्टेशन होगा उसमें ही आपको जनरली दिखाई देगा। अभी मैं एक्चुअली है ना लो वोल्टेज में काम कर रहा हूँ, 6.6 केवी 11 केवी में काम कर रहा हूँ, तो वो इंडोर है, तो मेरे पास आइसोलेटर की इमेज नहीं है, अर्थ स्विच की इमेज नहीं है। तो लेकिन आपको अगर वो देखना चाहते हो तो आपको इजीली वो गूगल में मिल जाएगा, आप सर्च मारोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। और ये प्रैक्टिकली आप जब देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा आइडिया लगेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।